अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैगी मसाला की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, जो इसमें हमने चाइनीज़ फ्लेवर का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 पैकेट लिए हैं मैगी के नूडल्स और 1 पैन गरम करने रखा है और उसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से बारीक चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। लगभग आधे से 1 मिनट के लिए भूनना है। और ये 1 मिनट तक मैंने प्याज को भून लिया है और प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां, जिसमें मैंने लिया है गाजर, कैप्सिकम और बीन्स। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून गाजर, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम और 2 टेबलस्पून ही बीन्स लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप किया है मैंने सब्जियों को। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ और टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने देंगे। तो लगभग हमें 1 से 1.5 मिनट तक फिर से भून लेना है। तो ये 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस या चटनी। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे ब्लैक सोया सॉस। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। और अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और भून लिया है आधा मिनट। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 ग्लास के करीब जितना पानी। साथ में हम इसमें 2 पैकेट मैगी मसाला ऐड कर देंगे। मैगी मसाला में भी नमक भी होता है, तो हमें नमक पहले हमने कम इस्तेमाल किया है ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 उबाल आने देंगे। देखिए अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी नूडल्स। आप चाहे तो इसमें कोई भी कंपनी का यिप्पी का या कोई भी नूडल्स आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने मैगी नूडल्स का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच में से थोड़ा थोड़ा नूडल्स को मैंने तोड़ लिया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो बस अब हमें इसे 2 मिनट तक कुक करना है, जब तक कि पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता, और 2 मिनट में हमारी मैगी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अब हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है मैगी और पानी अभी ड्राई होने लगा है। तो ये देखिए पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और बहुत ही टेस्टी हमारी मैगी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमें इसमें ऐड करना है हरी प्याज को। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हरी प्याज ऐड कर रही हूँ और उसे भी हम मिक्स करेंगे। और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मैगी बनकर तैयार हुई है, चाइनीज़ फ्लेवर वाली। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।